रखी। रैटिक लेटेड आमतौर पर छोटे स्तनधारियों पर फीड करते हैं, पर हमले लॉटरी जीतने और एक ही समय में बिजली से मारा जाने के रूप में दुर्लभ माना जाता है। एक वर्ष से अधिक समय में दूसरी बार एक इंडोनेशियाई ग्रामीण को एक अजगर द्वारा निगल लिया गया है। जकार्ता पोस्ट के अनुसार 54 वर्षीय वातेबा ने गुरुवार की रात को अपने मकई के मैदान में जाने के लिए मुना द्वीप पर अपना घर छोड़ दिया। यह मैदान उसके घर से 2.5 मील की दूरी पर था। गुफाओं और एक निश्चित संख्या में रेटिकुलेटेड दुनिया के सबसे लंबे सांपों से घिरा हुआ था। सांप आमतौर पर छोटे स्तनधारियों पर खिलाते हैं, वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, पर हमले लॉटरी जीतने और बिजली के साथ एक ही समय में मारने के रूप में दुर्लभ माना जाता है। फिर भी पिछले साल एक आसन द्वीप पर ऐसा ही डरावना हुआ था, जब एक आदमी के शरीर को 23 फुट लंबी अजगर से निकाला गया था, जो एक भयानक यूट्यूब वीडियो में दिखाया गया था। जकार्ता पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि तिब्बत जंगली सुअरों के बारे में चिंतित थी। इतनी सांप नहीं, क्योंकि वह उस रात अपने से गुजरती थी। सुअर हाल ही में फिसलों पर हमला कर रहे थे। इस प्रकार निरीक्षण, जब वह सूर्योदय से वापस नहीं आई थी तो उसकी बहन उसे देखने के लिए मैदान में गई थी। उसे केवल तिब्बत के पैरों का निशान, उसकी टॉर्च लाइट, उसकी और चप्पलें मिली। शुक्रवार को पिरसियापुनलोला के गांव के लगभग 100 लोगों ने मैदानों पर कब्जा कर लिया, फ्रांस प्रेस ने बताया। उन्होंने सांता को तिब्बत के सामान से कुछ दर्जन गज की दूरी पर पाया। यह 23 फीट लंबा था और इसलिए फूला हुआ, यह मुश्किल से हिल सकता था। अपने शरीर के नीचे एक लंबे बलगे के बीच एक लुक था। ग्रामीणों ने सांप को मारा और जमीन पर रख दिया। ग्रामीणों ने इसके चारों ओर भीड़ क्लामरिंग और रोना और कुछ लोगों को एक आदमी के रूप में वीडियो बनाने के लिए घुटने टेकना और सावधानी से एक मशेटी के साथ बल्ज भर में कटौती। उन्होंने सांप के मांस को विभाजित किया और यह एक साल पहले के दूसरे द्वीप पर था। तिब्बत सांप के अंदर बरकरार रखती थी, जैसे वह मकई की जांच करने के लिए गई थी। वह सांप के अंदर शायद नहीं मरती थी। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, एक रेटिकुलेटेड काटने के साथ अपने शिकार को सुरक्षित करता है, फिर पीड़ित के आसपास अपने शरीर को लपेटता है। पीड़ित होने से पहले पीड़ित नहीं हो सकता है, कम से कम वे सामान्य रूप से यही करते हैं कि खाने के लिए यह बहुत दुर्लभ है। पोस्ट ने लिखा है कि धोखाधड़ी देखना आम बात है। एक सुअर को पचाने वाले सांप की एक तस्वीर का इस्तेमाल चीन, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में पे हमले का झूठा दावा करने के लिए किया गया है।